हेलो मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल संदीप ज्ञान में। आज हम फिर आपके लिए एक लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन लेके आए हैं जो निकल रहा है जिला एवं सेशन जज से। तो यहाँ आपको पियोन, चौकीदार और आर्डरली की पोस्ट मिल रही है। यदि आप 10वीं पास हैं तो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो आप सर्वप्रथम यहाँ देख सकते हो जिला एवं सेशन जज से ये रिक्रूटमेंट जारी हुआ है जिला एवं। रोजाना सरकारी नौकरी की वीडियो पाने के लिए इस चैनल को आपको यहाँ से सब्सक्राइब करना है मित्रों, यहाँ देख सकते हो सब्सक्राइब करना है तथा साथ में जो आपको बेल आइकन दिखाई दे इस बेल आइकन को दबाना तथा साथ इस वीडियो को यहाँ से लाइक जरूर करना है तथा सेशन जज कार्यालय से ये रिक्रूटमेंट जारी हुआ है। किस पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट जारी हुआ है? तो पियोन, चौकीदार और आर्डरली की यहाँ आपको तीन प्रकार की पोस्ट मिल रही हैं इस भर्ती प्रक्रिया में, पियोन, चौकीदार, आर्डरली। ठीक है मित्रों, इसके बाद में हम बात करते हैं इसमें योग्यता क्या रखी गई है। तो योग्यता रखी गई है 10वीं पास। यदि आप 10वीं पास हैं तो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 10th पास यदि हैं तो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं मैट्रिक्स। इसके बाद में हम बात करते हैं इसमें वेतन क्या दिया जाएगा। तो इसमें आपको वेतन दिया जा रहा है 4,900 से इसमें आपका वेतन स्टार्ट हो रहा है। 9,400 से 10,680 रुपये इसमें पर मंथ आपको वेतन दिया जाएगा। इसमें आप देख सकते हो ग्रेड पे आपको मिल रहा है 1,300 और जो अन्य स्वीकृत जो भत्ते हैं स्टेट गवर्नमेंट के अनुसार वो आपको इस रिक्रूटमेंट में भी मिल जाएंगे। तो पेमेंट की हम बात करें तो आपका जो पेमेंट स्टार्ट हो जाएगा 9,000 से इसमें पेमेंट स्टार्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं इसमें आयु सीमा क्या रखी गई है। तो इसमें आयु सीमा रखी गई है 18 से लेके 45 ईयर्स। तो ये जो 18 से 45 आयु सीमा रखी गई है वो रखी गई है, मतलब आप इससे 18 कम से कम 18 साल के हो जाने चाहिए 1/9/2018 को। अधिकतम आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए 45 वर्ष किस डेट को, 1/9/2018 को। तो इसमें कौन अप्लाई कर सकता है? तो इसमें सभी राज्यों के कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सभी राज्यों के ऑल इंडिया की मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें हम आपको बता देते हैं कि जो जॉब निकल रहा है सोलन से निकल रहा है। नौकरी का स्थान आप देख सकते हो सोलन है जो हिमाचल प्रदेश में एक ज़िला है। तो हिमाचल प्रदेश में अन्य जो ज़िले हैं उनके जो सेशन जज कार्यालय हैं उसमें भी वैकेंसी निकल रही है। तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जो आपके अदर ज़िले हैं उसमें भी आपको जो कार्यालय हैं उसमें वैकेंसी मिल रही है। तो मैंने फर्स्ट ये वीडियो बनाया है सोलन पे, तो अन्य जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें भी वैकेंसी निकली हुई है। तो आप जो लोकल समाचार पत्र हैं उसे संपर्क कर सकते हैं या किसी रोजगार कार्यालय से भी आप संपर्क कर सकते हैं इस भर्ती प्रक्रिया के बारे में। तो आपको क्या करना है, सिंपल, यदि आपकी कोर्ट में वैकेंसी निकली हुई है तो आपको ये वेबसाइट टाइप करनी होगी। तो जो कार्यालय ने ऑफिशियल पीडीएफ जारी की है वो देख सकते हो, ये ऑफिशियल पीडीएफ है, नोटिस है। इस नोटिस में दिखा रखा है कि किस प्रकार आपको फॉर्म अप्लाई करना है इस भर्ती प्रक्रिया में। तो सिंपल है, यदि आप सफ़ेद कागज़ पे टाइप करना होगा आपको आपका जो नेम है वो, फादर्स नेम, इस प्रकार आपको ये 10 कॉलम बनाने हैं। यदि आप बाई हैंड ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, डाक द्वारा भी ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इस एड्रेस पर आपको ये जो है फॉर्म सेंड करना है। यदि आप बाहर के कैंडिडेट्स हैं तो इस एड्रेस पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी जो लास्ट डेट है वो रहेगी मित्रों इस फॉर्म की, हम दिखा देते हैं आपको फॉर्म अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है 20/9/2018 तक आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसमें यदि आप यात्रा के दौरान किसी प्रकार का आपको भत्ते नहीं मिलेंगे, स्वयं के खर्चे से आप इसमें भर्ती प्रक्रिया में भाग लेंगे और इसमें आपकी एग्ज़ाम नहीं होगी, इसमें आपका इंटरव्यू रखा गया है विशेष से, इसमें इंटरव्यू रखा गया है ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ भी उन्होंने इस पीडीएफ के माध्यम से भी दर्शाया है। तो यहाँ देख सकते हो विजिट डिस्ट्रिक्ट सोलन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे जाके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने आपकी सुविधा के लिए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, उसे केवल आप क्रोम ब्राउजर या यूसी ब्राउजर में ओपन करेंगे तो वो ओपन हो जाएगी। इसके बाद में आप पीडीएफ देख सकते हो, किसी प्रकार का फैंग रिक्रूटमेंट नहीं है। यदि आप अन्य ज़िले के रहने वाले हैं, हिमाचल प्रदेश से हैं, तो वहाँ के जो लोकल न्यूज़पेपर है उसके माध्यम से आपको जानकारी मिल जाएगी आपके ज़िले में जो रिक्रूटमेंट जारी हुआ है 4th ग्रेड के लिए। तो आप उनके टच में रहिए और जो रोजगार सेंटर हैं उनमें भी आप संपर्क कर सकते हैं।